अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है। ये कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल की जो खुद को भारत का ओसामा बताता है। कैसे 5 लोग भारत के ओसामा को बिना हथियार के तलाशने निकलते हैं, किस तरह कितने कामयाब होते हैं, फिल्म की कहानी में इसी मिशन को दिखाया गया है। इंडियाज मोस्ट वांटेड की रिलीज डेट 24 मई है। इसे राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है, जबकि फॉक्स स्टार स्टूडियो, राजकुमार गुप्ता, मायरा करण ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। टीजर की शुरुआत होती है जबरदस्त एक्शन से, जिसमें बताया गया है कि 2007 से 2013 तक 7 शहरों 52 ब्लास्ट हुए, जिसमें 810 लोग घायल और 433 की मौत हुई। इन सबके पीछे था एक इंसान जो कहता है, शरीर मरता है, मैं लोगों को मार नहीं रहा, बस उनकी आत्मा को दूसरे शरीर में भेज रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इसके बाद सामने आते हैं 4 नए किरदार। ये चारों अर्जुन कपूर के साथ मिलकर आतंकी ओसामा को पकड़ने का काम शुरू करते हैं। फिल्म में अर्जुन कपूर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिल्म में अर्जुन के अलावा अमृता पुरी और राजेश शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के बारे में निर्देशक ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसे समय पर जब दर्शकों को सुपर हीरो फिल्में पसंद आ रही हैं, मेरी फिल्म ऐसे वास्तविक हीरो के बारे में है जो जिंदगी को बचाता है, तो यकीनन ये फिल्म तो बड़ी स्क्रीन पर छाकर ही उतरेगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी अपटूडेट के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।